बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। आप इसे बनाकर रमजान अल मुबारक के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। चाट, समोसा चाट, दही भल्ले, दही फुल्कियाँ, इन तमाम के मजे को ये दुबला कर देगी। बनने में बहुत आसान और जायके में लाजवाब है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इमली की गुठलियाँ निकाल कर उसे एक घंटे के लिए ताज़ा पानी में भिगो कर रख दिया है। और अब उसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ धनिया और चाट मसाला। इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। और तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इस इमली के मिक्सर को ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अभी इमली की चटनी बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। आप इसे किसी भी बोतल, किसी जार में या किसी भी बॉक्स में डालकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।